हाँ तो बच्चों, आज हम इस वाली वीडियो में फैक्टराइजेशन के अंदर फैक्टराइजेशन की तीन मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों मेथड से हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। और हमें यहाँ फाइंड करना है फाइंड द रूट, तो रूट आप इन तीनों किसी भी एक मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने 9th क्लास में भी यूज लिया था, 8th क्लास में भी यूज लिया था। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। सो आप क्या करेंगे, देखना x square के कोफिशियंट मींस x square के गुणांक और कांस्टेंट यानी अचर पद को आपस में गुणा करते हैं, जैसे 3, 2 जा 6, और 6 का ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं कि एड या सब्स्ट्रैक्ट करने पर कितना मिले आपको, -5। सो हम कर देते हैं 3 और 2, बन गया 3x² - 3 + 2x + 2 = 0। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम फर्स्ट वाला मेथड यूज में ले रहे हैं। देखना बच्चों, 3x² - ब्रैकेट ओपन करते हैं -3 × x - ± 2x + 2 = 0। सो हम 3x - 2x को ऐड करेंगे तो माइनस का 5x बनेगा। सो फैक्टराइजेशन आपका राइट है। सो हम यहां से कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन है, सो x - 3x कॉमन है मींस 1, माइनस यहां पर 2 कॉमन है। सो आप चेक कर सकते हैं माइनस कॉमन है तो -± x - ± 1 = 0। सो यहां पर आपका कॉमन है 3x - 2 and x - 1 = 0। सो हमारे पास में यहां पर जो फैक्टराइजेशन हुआ है 3x - 2 = 0 मींस 3x = ट्रांसफर करेंगे, किसी भी माइनस नंबर को ट्रांसफर किया जाता है, नेगेटिव नंबर को तो प्लस बन जाता है 2। x = मल्टीप्लीकेशन को ट्रांसफर किया जाता है तो डिवीजन बन जाता है, तो 2/3 हमारा एक सिंगल रूट, तो ये मिलता है। नेक्स्ट रूट की बात करते हैं तो x - 1 = 0। सो -1 को ट्रांसफर करेंगे सो +1। सो x की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या क्या मिली है, 2/3 and 1। ये हमने जो मेथड यूज में लिया था फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लिया था, अब हम इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, उसका आंसर भी उसके रूट्स भी कैसे होंगे, इक्वल रूट्स एज इट इज इसी तरीके से मिलेगा। तो चलते हैं हम इसी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं फिर से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। ये 3x² - 5x + 2 = 0। सो हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज में लेने के लिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के तीन स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको आपको 1 बनाना है। तो हमने किया बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड बाय 3। हमने क्या किया, LHS और RHS में डिवाइड किया 3 से, और सेपरेटली कर रहा हूं मैं सबको, (÷2/3 = 0/3). सो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो, या 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कितना मिलता है आंसर हमें, 0। सो 3 से 3 कैंसिल, सो (x²-5x)/3+2/3। अब हम सेकंड स्टेप्स में क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, हम क्या करते हैं x का जो कोफिशियंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं ताकि एक्सप्रेशन में नो चेंज है। तो हमने x का जो मल्टीपल है इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 × (2/2 × 3x + 2/3। अब हम इसको एक पोजीशन में डिनोट करते हैं, सो x²-2 × x·5/6 + 2/3 = 0। अब चेक करो, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज में ले रहे हैं, सो यहां पर x का कंप्लीट होल स्क्वायर बन रहा है। सो चेक ना, x²-a² - 2a, a की वैल्यू x है मींस b की वैल्यू आपके पास सेपरेट क्या बन गया, 5/6। सो हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन में देखना, एड एंड सब्सट्रैक्ट 5/6 के होल स्क्वायर को करते हैं। हम ऐड भी कर रहे हैं एक्सप्रेशन में और सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं ताकि एक्सप्रेशन में कोई चेंज ना हो। सो (x²-2 × 5/6 + 5/6)² सो (-5/6)² = ये कांस्टेंट है, इसको ट्रांसफर किया सो -2/3 आपके पास एक्सप्रेशन बन चुका है।
फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, चेक करना हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाय सिक्स मल्टीप्लाई है यहाँ पर, चेक करना प्लस फाइव डिवाइड बाय सिक्स, इसका यूज इधर कर ले और इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, सो माइनस टू डिवाइड बाय थ्री प्लस फाइव डिवाइड बाय सिक्स का होल स्क्वायर सेपरेटली ट्रांसफर कर दिया। अब चेक कीजिए इसको कंपेरिजन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो आइडेंटिटी यूज मिली ए माइनस बी बाय होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने यूज में लिया है, सो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज ही कर देंगे ए बी में, सो एक्स माइनस फाइव बाय सिक्स, क्योंकि बी की वैल्यू आपको ए की वैल्यू यहां पर एक्स एंड बी की वैल्यू कितना मिला है फाइव डिवाइड बाय सिक्स मिला है, सो होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइड बाय थ्री प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स आपने यूज में ले लिया। अब आप क्या करते हैं, ये यहाँ पर देखो कंप्लीटली आपने स्क्वायर में थर्ड स्क्वायर में चेंज कर लिया एक्सप्रेशन को, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाई सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर थर्टी सिक्स एलसीएम ले लिया आपने, थ्री के टेबल में थर्टी सिक्स आता है और थर्टी सिक्स के टेबल में थर्टी सिक्स आता है, सो थ्री से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा थ्री वन ट्वेल्व मिलेगा, ट्वेल्व को टू से मल्टीप्लाई कर ट्वेंटी फोर प्लस 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1 1 24 25 मिलेगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 36 एंड x माइनस 5 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं जब भी क्या लगता है हमारे पास में साइन लगता है और साथ में अंडर रूट लगता है सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 को भी ट्रांसफर करेंगे सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 पॉजिटिव बनने वाला है और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 36, सो आपने सबसे पहले प्लस साइन यूज में लिया, सो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 एंड प्लस देखना 1 का अंडर रूट 1 और 36 का 6 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं आप, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 और 1 6 6 डिवाइड बाय 6 मतलब 1, x की एक वैल्यू क्या मिली आपको 1। फिर नेक्स्ट चेक कर दें नेगेटिव साइन ले लेता, नेगेटिव साइन के लिए चेक करना बच्चों x is equal to 5 divided by 6 and minus use में लेते हैं minus 1 का square 1 का under root 1 और 36 का 6 denominator से हमें direct solve करेंगे 5 minus 1 is equal to 4 divided by 6 2 से cuttable standardization कर सकते हो 3 divided by 2 आप पहले भी चेक कर सकते हैं हमने जब इसको factorization से use में लिया था चेक करना बच्चों so answer x is equal to 2 by 3 and x is equal to 1 मिला था। अब हम जो थर्ड स्टेप यूज में ले रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं थोड़ा स्लाइड को इस तरीके से कर लेते हैं और एक्सप्रेशन नोट कर लेंगे, चेक कीजिए हमारे पास में जो एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, यही एक्सप्रेशन है, चेक कर लेते हैं फिर से एक बार 3x स्क्वायर माइनस 5x, हाँ अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज में लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, जैसे यहां पर वेरिएबल जो है x है तो x के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी डिवाइड बाई टू ए टू ए, देखना ये जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जनरेट हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसी को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का जनरेशन होता है, तो चेक करते हैं सो यहां पर कंपेरिजन करें हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a की वैल्यू आपको 2 मिल 3 मिलेगी, b की वैल्यू माइनस 5 मिलेगी और c की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, सो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर बनता है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बनता है, तो चेक करना x, हम थोड़ा सा स्लाइड को छोटा कर लेते हैं, ये देखिए ठीक है देखना प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस का माइनस का स्क्वायर क्या होता बनता है बच्चों प्लस माइनस 4 थ्री 12 2 24 डिवाइड बाय 6 ये कंप्लीटिंग डिवाइड में 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू आपने अब जो साइन यूज में लिया है एक बार प्लस और एक बार माइनस लिया क्योंकि अंडर रूट 1 का कितना बनता है 1 ही बनता है सो पॉजिटिव साइन के लिए अप्लाई किया तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय मीन 6 इज इक्वल टू 1 मिल गया x का एक वैल्यू एंड माइनस अब यूज में लिया सो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6 स्टैंडर्डाइजेशन करोगे 2 से कटेबल है सो 2 डिवाइड बाय 3 सो हमने जो
फैक्टराइजेशन मेथड यूज में लिए हैं तीनों, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तीनों में से जब भी फाइंड किया, हमें रूट जो मिला है मतलब मूल जो मिला है वो सेम मिला है। एक्स की वैल्यू 1 भी है एंड एक्स की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 3 भी है, मतलब यहाँ 2 रियल रूट है एक्स का। क्लियर है? तो इजिली आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा और आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द रूट, तो फाइंड द रूट जब फाइंड करना है तो आप किसी भी मेथड का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके बच्चों।